बलराम भैया नमस्कार। नमस्कार भाई, मैं सौरभ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश जी जिला अलीगढ़। मैंने ये लाइन से लाइन पाँच लाइन नाली बनाई है फ्लड। मित्रों ये वीडियो पपाया फार्मिंग का है, उत्तर भारत का सिस्टम नहीं है, फ्लड है जी सौरभ भाई। तो इसमें जो पौधा है आप इधर लगाना है ना, इधर हाँ जी, इस साइड में बराबर ऊपर नहीं, इधर राइट साइड में जी यहाँ पे जरा बताने का कष्ट करें जी। ये मेरा खेत कंप्लीट है, इसमें मैंने सारे में एक साथ पानी दे दिया था, फिर जुताई कराई थी, इसमें नमी है काफी बराबर। खेत में गीली मट्टी है, नीचे भी निकल रही है गीली मट्टी। ये प्लांटेशन 29/4/2020 कीचड़ बना के 45 अंश के कोण पे कार्बन डाइजिम प्लस मैनकोजाइम और क्लोरोसाइफर 100 ml। थोड़ा सा सौरभ भाई गड्ढे में हो रहा है ये, लगाते समय अगर हम बराबर में ही कीचड़ बनाएं, मिट्टी ना निकाल के पानी डाल दें तो ज़्यादा बेटर होगा। और जो मित्र सुन रहे हैं देख रहे हैं समझें, डबरी ना बनना चाहिए, बराबर में ही पानी डाल दो और लगा लो। मैं सौरभ जाट, हाँ जाट सर, तहसील जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश जी। बलराम भैया ये बताइए, हमारी जो मिट्टी है ये देखिए नमी है इसमें, मिट्टी सोना है एकदम सोना 24 कैरेट, ये गीला है थोड़ा सा, तो इसमें ट्रेंचिंग आज ही करें पानी या फिर? पानी आज ही देना पड़ेगा, पौधा जिस दिन लग रहा है उसी दिन पानी देना पड़ेगा। आपकी मिट्टी पीली है और मॉइस्चर है, इसलिए बिना पानी दिए आप लगा रहे हो चलेगा, वरना काली मिट्टी मध्यम मिट्टी में पहले ही पानी दे करके एक दिन छोड़कर एक दिन पानी देकर लगाना चाहिए। गीली मिट्टी रखनी है और थोड़ा गट्टो ज्यादा है रो या ऊपर ही रखो? हाँ ये सही पकड़ा है आपने, बराबर में रखो। ब्रदर ये सौरभ भाई जाट है उत्तर प्रदेश से, और यूपी में पपीता प्लांटेशन कैसे होना चाहिए, केले का प्लांटेशन कैसे होना चाहिए, ये जिस तरीके से पपाया प्लांटेशन दिखाया सौरभ भाई ने, आप सभी किसान मित्र समझ लीजिए केले का भी ऐसी तरीके से प्लांटेशन करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, काफ़ी बेहतर होगा। पपीता में 5x9 है, लाइन से लाइन 5 है और पौधे से पौधा 9 है, और केले में आपकी लाइन से लाइन 5 आएगी और पौधे से पौधा 7 आएगा, केवल इतना अंतर है, बाकी तरीका सेम टू सेम रहना है। एज इट इज तरीके पर आपको केला भी प्लांटेशन करना है, पपाया भी प्लांटेशन करना है, और पानी कैसे देना है ये भी देख लीजिए। मैं सौरभ जाट, हाँ जाट साहब बताओ। यूपी अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट गांव गढ़ी नगला छोराम जी, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, चेक चेक, बहुत बढ़िया। ये देखिए सौरभ भाई आपने 100 अनुसरण करने की कोशिश करी है, आज 1 मई को प्लांटेशन हो रहा है, इसमें साथ ही साथ पानी भी छोड़ दिया गया है। और बलराम भैया ये हमने रात जो बताया था दवा का छिड़काव किया था, ये पौधे के ऊपर है जी, ब्लू कापर और 1 ग्राम 40 ग्राम ब्लू कापर थी और 1 ग्राम स्टेप्टा साइक्लाजोल जो 6 ग्राम में आता है उसके 6 से किए थे, पानी में घोल के एक हिस्सा डाला था और 8 लीटर पानी में स्प्रे किया था 1500 पौधों में, फिर उसके बाद 8 लीटर पानी सादा जी। अब हम ये पूछ रहे हैं इसमें ये जो नाली है बीच वाली, इसमें कब पानी लगाएं, सूखी पड़ेगी? सौरभ भाई इसमें पानी लगाने का समय है जो आपकी पहली नाली का पानी रिवर्स होना चालू होगा, ऐसा लगेगा आप पौधे को पानी देना है तो फिर इसमें पानी देना है, इसको बंद रखना है। अभी जब ऐसा लगेगा कि इसका पानी रिवर्स हो रहा है फिर इसको बंद करना है, फिर इनमें पानी देना है, ओड इवन जैसा पानी देना है। अभी 1 नंबर और 3 नंबर में पानी दिया है तो अगली बार 2 नंबर और 4 नंबर में देना है। कब देना है? जब आपके खेत की अवस्था बताए, यहाँ पर क्रैकिंग आना चालू हो जाए, पौधे के पास मॉइस्चर नमी कम हो, दराड़े आकर फट नहीं जाना चाहिए, क्रैकिंग आने की शुरुआत हो जाए, उस दिन इसमें पानी लगा दो, ताकि यहाँ पर गीला हो जाएगा और यहाँ पर सूखा होना चालू होगा, यहाँ से हवा अंदर जाना चालू होगी। जब इसमें क्रैकिंग आएगी, यहाँ से हवा अंदर जाना चालू होगी तो यहाँ पर, और फर्टिलाइज़र भी आप
को आगे चलकर कैसा करना है। केला भी 100 का 100 उत्तर भारत वालों को इसी तरीके से प्लांटेशन करना है। अभी फर्टिलिटी के जो ड्रेंचिंग्स आएगी यहाँ पर करना है, पौधे के पास में यहाँ पर। अगर इस नाली में पानी दे रहे हैं तो पौधे से दूर यहाँ पर ड्रेंचिंग और फर्टिलिटी करेंगे, और जिस दिन हम इस नाली में पानी देंगे तो फिर इस तरफ ड्रेंचिंग और फर्टिलिटी करेंगे। यह 100 ध्यान रखना है केले और पपीता में। मैं सभी उत्तर भारत के किसानों को कहता हूँ, नाली पाली नाली पाली नाली पाली। सौरभ भाई आपने बहुत अच्छा अनुसरण किया है, एकदम परफेक्ट। आपको 10 में से 10 नंबर देने का मन हो रहा है, लेकिन 9 नंबर दूंगा क्योंकि गर्मी चल रही है। आपने यहाँ पर 4-4 लकड़ियाँ लगाकर छोटी छोटी न्यूज़पेपर लगाना चाहिए, क्योंकि अभी मई का महीना है, पौधा आगे चलकर शौक लगेगा। यह इसके वजह से मैं 1 नंबर काटूंगा आपके, बाकी तो आपकी मेहनत काफ़ी अच्छी है। आगे मैं आपको देखता हूँ क्या आप बतला रहे हैं। और ओके, सौरभ भाई ने ये फ़ोटोज़ भेजी है, यहाँ पर यह कुछ गड़बड़ हुई है पौधे में। ये क्या होता है, खेत में जब हम नया कुछ भी हरा कोमल पौधा रखते हैं तो कीट पतंग तुड़तुड़ा एक चिपचिपा रेंगने वाला कीड़ा आता है वो, और एक छोटी सी टिड्डी जैसे उड़ने वाला कॉकरोच जैसा आता है वो सब क्या करते हैं। अभी आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ऊपर भी एकदम कोमल हरा है, नीचे भी कोमल हरा है। सौरभ भाई अभी आपको इस पौधे को अगर बचाना है तो क्या करना है, यहाँ से ब्लेड से काट देना है और आइट साइड की मिट्टी थोड़ी सी हटा लेना है, तो ये जो हरापन है यह वापस चालू हो जाएगा और यहाँ से फूटा हुआ आ जाएगा। एक काम, दूसरा इसको तुरंत 15 लीटर पानी 30 ग्राम सुक्रोज इमीडिएट ड्रेंचिंग करो, फटाक से एनर्जी मिलेगी और पानी की फिर तान दो और यह स्पीड ले लेगा, यहाँ से हल्का हल्का फूटा हुआ आ जाएगा। अभी दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आया काहे के लिए, कीड़े ने यहाँ पर इसके कोमल तने को चट गया, हल्का सा छिलका जैसे उसको स्क्रैच मारा, और वहाँ पर पपीता क्या है पोंगा और पोल जैसा पौधा होता है, सेंटर में पोंगा रहता है, होल रहता है, और आइट साइड का उसका पोल रहता है, तो थोड़ी सी भी स्क्रैच अगर लगी तो वहाँ पर फंगल आकर के डिस्टर्ब होकर वो सिकुड़कर सूखना चालू होगा और मरण क्रिया आ जाएगी। अभी यह पौधा ऊपर से डिस्टर्ब होकर के जाएगा, लेकिन नीचे इसमें जीवंत आज भी बाकी है, अभी ताज़ा है, नीचे रूट का डेवलपमेंट है, यह यहाँ से फुटाव दे देगा और चालू हो जाएगा। ब्लेड से यहाँ से काट सकते हैं। अभी इसका 100 बचाव करना है तो क्या करना है, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी अभी जस्ट पीछे कि गर्मी में प्लांटेशन किया है मई में, तो 4 लकड़ी लगाओ और उसमें न्यूज़पेपर लगा दो ताकि गर्मी का भी असर ना हो। दूसरा, इस न्यूज़पेपर के अंदर थीमेट डाल दो, 1 किलो थीमेट 10 किलो रेत लो, उसको मिक्स कर लो, और जितने आप लकड़ी के अंदर न्यूज़पेपर के कॉलम बनाओगे, मतलब अपने पौधे के कमरे बनाओगे, उसमें थोड़ी थोड़ी सी यह थीमेट डाल दो, या यूपीएल कंपनी का स्नेक किल आता है, छोटे छोटे से कैप्सूल आते हैं, वह इन तुड़तुड़े और जो चिपचिपा कीड़ा आता है इसको भगाते हैं। नया पौधा जो भी लगता है उसको खेत हम पूरा क्या करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, उस साफ़ सफाई के कारण वहाँ पर सारा जीवंत प्रक्रिया तोड़ मरोड़ करके हम नया स्टार्ट करते हैं, तो पुराने जो कीड़े पतंग तुड़तुड़े हैं वो वहीं खेत में रहते हैं। अभी पूरे खेत में कुछ है नहीं, लेकिन ये ऐसे छोटे छोटे से कुछ पौधे हैं, यह उन तुड़तुड़ों को और इनको इन्वाइट करते हैं कि भैया आओ और हमें खा लो। तो मैं आगे और देखता हूँ, यह आपका निराकरण मैंने बतलाया था। सर मैं सौरभ जाट जी, 1 मई की प्लांटेशन है। हाँ जी, 5x5 नाली जी और पौधे से पौधा। मित्रों सौरभ भाई ने हर एक दिन का वीडियो बनाकर भेजा है, प्लांटेशन करने से पहले एक दिन का प्रॉब्लम आ रही है, प्लांटेशन किया उस दिन का, ये प्लांटेशन करने के दूसरे दिन का। तो आज 4 तारीख है, 4/5/2020 है आज। अंदर ये नहीं है, ये देखो ये पौधा है जो ये प्लग याद। सौरभ भाई इसी के लिए मैंने बतलाया, यह जो गड़बड़ी है यहाँ पर छोटा सा कीड़ा तुड़तुड़ा आकर इसको टच कर गया है, आगे मरने वाला है, इसकी यहाँ से ब्लेड से कटिंग करो, आइट साइड की मिट्टी थोड़ी सी हटा दो ताकि उसका तना दिखे, सूर्य प्रकाश में आए, उसके तने पर सूर्य प्रकाश आएगा तो वहाँ से फुटाव हो जाएगा, और सुक्रोज की ड्रेंचिंग तुरंत करो, इसको एनर्जी मिलेगी, यह स्टार्ट हो जाएगा।
जी ये वाला पौधा, हाँ ये इस तरह का डैमेज पन आएगा, इसके लिए कुछ प्रोपोर्शन रखना पड़ेगा। सारे पौधे हैं। सौरभ भाई काफी अच्छा आपने सिस्टम किया है। सौरभ जाट, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। परसों प्लांटेशन हुई थी, आज गुड गोबर का ट्रेंच हो रहा है। बहुत बढ़िया। 2 ml पर प्लांट। मित्रों यह फील्ड आपको जो भी उत्तर भारत में केला और पपीता लगाने वाले हैं उनको 10-15 बार 20 बार रिवर्स कर करके देखना है, समझना है कि हम इसी तरीके से कैसे लगा सकते हैं। पीली मिट्टी वाले सारे किसान, काली मिट्टी वाले सारे किसान जो फ्लड इरिगेशन से लगाते हैं, इवन उत्तर भारत में ही, पूरे भारत के जितने भी फ्लड इरिगेशन वाले केला लगाने वाले हैं, इस तरह का काम करके आगे अपनी फील्ड को तैयार कर सकते हैं। यह 100 ठीक है, 1000 पौधों के लिए जिक जैक में लगा हुआ है। मैंने कुछ किसानों को ये भी चीज बोला था कि आपको दो तरीके से काम करना है फील्ड में। मैंने कुछ 2-3 चीज़ें बतलाई थी, नाली पट्टा यहाँ पानी देंगे और इस करवट में लगाएंगे, लेकिन जो सौरव भाई ने बनाया है यह भी अच्छा है। पट्टा गड्ढा कर दिया, हल्की सी पाली कर दी, फिर नाली, फिर पाली और पूरा पानी भर दिया और यहाँ पर लगाया, तो गर्मी के हिसाब से यह सौरव भाई वाला 100 ठीक है। मैं जो बतला रहा हूँ यह बारिश के लिए और अक्टूबर नवंबर के लिए ठीक है। गर्मी में अगर आप प्लांटेशन कर रहे हो तो पाली छोटी सी, नाली चौड़ी, ताकि पानी आपके खेत में ज़्यादा मात्रा में भरा रहेगा, 50% खेत पानी से भरा रहेगा। इस कंडीशन में अगर गर्मी में आपने लगाया है तो यहाँ पर 30% पानी रहेगा और यहाँ पर 50% पानी रहेगा, तो यह सौरभ जाट वाली प्रक्रिया ज़्यादा अच्छी है बनिस्पत मेरे जो मैंने आपको बतलाई थी। सौरभ भाई मज़ा आ गया आपका काम देख करके हैं भाई, बहुत अच्छा आपने किया है प्रोग्राम। सौरभ जाट, एकदम प्रक्रिया सही है आपकी ब्रदर। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से, गांव गढ़ी नगला शोराम, तहसील खैर। ये मेरा प्लांटेशन 2 मई का है और बलराम भैया के अनुसार 45 अंश में पौधा लगा था दक्षिण की तरफ, तो आप देख सकते हो कि पौधा धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। मित्रों काफी अच्छे तरीके से सौरव भाई ने काम किया है, एक ही गलती है यहाँ पर, सौरव भाई लकड़ी लगा करके न्यूज़पेपर लगा दो, अभी बारिश आना बाकी है आपके क्षेत्र में, धूप लगेगी। चेक चेक में बहुत बढ़िया, सभी को सुना दो, मेरी आवाज आ रही थी। और नाली से नाली 5x5, पौधे से पौधा 9, चेक चेक में, ये देखिए चेक चेक जी, बहुत बढ़िया। और कल इसमें गुड गोबर की ट्रेंचिंग भी करा दी थी, सुक्रोस अवेलेबल है नहीं, लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पा रहे हैं। सुक्रोस के लिए जिनको सुक्रोस चाहिए ऑल ओवर इंडिया में अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, पेमेंट डाल करके कतार में आ सकते हैं। जैसे ही पोस्ट ऑफिस में कोरियर सुविधा चालू होगी, पोस्ट ऑफिस पूरे भारत के खुल गए हैं अभी 3 तारीख से, लेकिन कोरियर सुविधा हमारे यहाँ बड़वानी में स्टार्ट नहीं हुई है ताकि हम आपको डिस्पैच दे दें, लेकिन जिनको लग रहा है वह अपना अपना आर्डर फिलअप करा दे। बहुत सारे एग्रो क्लिनिक वालों को भी आवश्यकता थी कि हम हमारे क्षेत्र में किसानों को सुक्रोज देना चाहते हैं, तो वह भी अपना आर्डर सबमिट करवा सकते हैं। बी किसान ऑफिस का नंबर है 9424538222, सुक्रोज के लिए या बनाना प्लांट के लिए या BFS की गाइडलाइन के लिए, इस नंबर पर सभी भारतवासी संपर्क कर सकते हैं। और उत्तर भारत के लिए स्पेशल नंबर हमने दिया है 9754138222, आप यह हमारे उत्तर भारत के प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं और गाइडलाइन के लिए और किसान पाठशाला बी किसान से या बलराम किसान से जुड़ने के लिए आप लोग। और थोड़ा फ्लड का पानी है तो उस वजह से
अरे बहुत मजा आएगा, अपन अच्छा एक प्लाट हजार पकाएंगे, पौधों में से कोई करीब दिक्कत करीब नहीं। वो 20-25 पौधे डैमेज हो गए, वो हमारी गलती है कि पानी कहीं ज्यादा हो हाँ, गया है, बराबर। नहीं बाद बाकी तो बलराम भैया के अनुसार एकदम जैसा बताया था वैसा ही किया बढ़िया है और बेहतर ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आया किया है, है। 45 अंश में दक्षिण की ओर। बहुत बढ़िया। देखिए ये पे पौधा बिल्कुल, अब ये टर्न होगा, धीरे धीरे टर्न होगा, चालू जैसे हो ही गया है नीला टर्न हो लेना जाएगा। भाई, अभी खड़ा हो जाएगा वो। ये बहुत बढ़िया देखिए सौरभ भाई, बहुत अच्छे मित्र। अल्टरनेट पानी इसमें दे सकते हैं जैसे ये क्रैकिंग बढ़ेगी जब। पानी भी एक नाली छोड़ के एक नाली, बहुत सही, और बहुत सही। टेम्परेचर भी अभी फिलहाल 34-35 डिग्री है, इसमें के बराबर में ढैंचा बो दिया है इधर, यहाँ से एल। सौरभ भाई, सन और ढेचे का क्या काम है, और सभी भारत के किसान समझ लो, गर्मी में पौधा लगाने से पहले बोना पड़ता है। सन और ढेचे की हाइट पौधे की हाइट की 3 गुना होनी चाहिए। ये जैसा हमारा पौधा है उसके 3 गुना हाइट होनी चाहिए ताकि उसकी छाँव में पौधा रहे। एक चीज़, अभी आपने बोया भी है लेकिन पौधे को तो धूप लग रही है। अभी तुरंत क्या करना है, वो जर्मिनेशन होके आने में उसको 15 दिन लगेंगे। 15 दिन में पता चला 50% अगर हमारा पौध मर गया तो क्या कर लेंगे, मतलब ही नहीं रहेगा प्लांटेशन का। इसलिए सौरभ भाई आपको क्या काम करना है, तुरंत 4 लकड़ी लगाओ पौधे के चारों तरफ, न्यूज़पेपर डबल करके लगाओ, 5 इंच हाइट का न्यूज़पेपर लगाओ, पिंचिंग मशीन से उसे पिंच कर लो, और यहाँ पर थीमेट फोरेट रेत में मिलाकर डाल दो, या फिर स्नेक किल करके कैप्सूल आता है उसके छोटे छोटे टुकड़े, ताकि पौधे को प्रोटेक्शन मिले और कुछ खराब ना होगा वो। हर पौधे के यहाँ पे ढांचा बो दिया है, यहाँ से ही ओएल। एक चीज और बतला दूं, सनहेम और ढेचे में फर्क है। सनहेम पतली काड़ी आती है, सन गुजराती में, मराठी में ताग, और ढेचा कपास की कराठी जैसा मोटा हो जाएगा। यह सौरभ भाई बाद में निकालने में गड़बड़ करेगा ढेचा, इसको कट करना पड़ेगा। तो आपने बो दिया है ये अच्छा है, लेकिन हालांकि 1 महीने में ज़्यादा साइज लेगा नहीं, आप न्यूज़पेपर लगा लो, और ढेचा दूर बोया जाता है पौधे से, 2-3 फीट दूर, ताकि उसे काट कर निकाल लें। पौधे के पास अगर है तो निकालने में परेशानी होगी, इसे ज़्यादा बड़ा मत होने देना और समय रहते निकाल देना इसको। बहुत बढ़िया मित्रों, सभी पूरे भारतवासियों के सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए यह वीडियोस हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हर किसान तक पहुंचाओ इसे कि फ्लड इरिगेशन वाले कैसा प्लांटेशन करें। पूरे भारत के लिए है यह प्लांटेशन का तरीका, केवल उत्तर भारत के लिए नहीं है। यह वीडियो जरूर उत्तर भारत से आया है सौरभ जाट के यहाँ से। मज़ा आ गया ब्रदर, आपने जो मैंने बताया उससे एक कदम आगे की प्रैक्टिस करी है, और सही प्रैक्टिस करी है। केवल न्यूज़पेपर लगा दो वरना प्लांट ख़राब होगा। ड्रिप इरिगेशन में प्लांटेशन का तरीका अलग रहता है, फ्लड इरिगेशन का यह तरीका, मैं इसे राइट का रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। सभी किसानवासी इस तरीके से आगे चलकर जो भी प्लांटेशन कर रहे हैं, केला लगाएं या पपीता लगाएं, 100 इसे अनुसरण करें। सभी केला पपीता किसानों तक इसे भेजें। जो भी नर्सरी वाले अपने प्लांट्स बेच रहे हैं, जो भी अपने पौधे बेच रहे हैं, 100 अपने किसानों तक यह वीडियो का लिंक शेयर करो, ताकि आपका प्लांट मरे ना, 100 सेठ हो, और प्लांट की बदनामी ना हो। क्या होता है, प्लांट कैसा भी होगा अगर खेत में गया और सही से प्लांटेशन ना हुआ फ्लड इरिगेशन का, तो प्लांट डैमेज होता है, मरता है, और जो कंपनी या जो टिश्यू कल्चर या जो नर्सरी पौधे बेच रहे हैं उनके ऊपर ब्लेम आता है कि भैया गड़बड़ हुआ है। इसी संदर्भ में मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा, जो भी किसान हो, कहीं से भी पौधा ले रहा हो लेकिन तरीका सही किया, तो वह 100 ठीक हो सकता है। अभी कुछ पता नहीं कि कौन से आदमी के पास कैसा पौधा मिला, लेकिन जो भी मिल गया हमारे पास, जो भी आ गया, हमारी जिम्मेदारी उस प्लांट को 100 सेटिंग करना, ना कि उन बच्चों को मारना। तो तरीका सही अपनाओ, भ्रूण हत्या करना बंद करो, और सही तरीके से हम प्लांटेशन और ड्रेंचिंग्स और फर्टिलिटी को अपनाएं, ताकि हमारी फील्ड 100 सेट हो। बाकी का सौरभ भाई, शायद आपके पास BFS का डेटाबेस आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं चेक कर लेता हूँ, बाकी के आपको आगे के शेड्यूल्स भेजता हूँ। बहुत बहुत अच्छा आपने काम किया है, और सही तरीके का वीडियो बनाकर पूरे भारतवासियों को दिखाने की कोशिश करी है। थैंक यू। मैं बलराम किसान, जो भी सुन रहा है, देख रहा है,
अच्छा लगे तो जरूर आगे किसानों तक भेजें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।